थोड़ा दाएं। बाएं थोड़ा सा दाएं। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई लिए ना, खामोश क्यों है? सरकार को जवाब दीजिए, क्या मैं लाया था केशव को आपके पास? वान कहां फंसा दिया? हाँ बोलकर जल्दी से निकल जाने में ही मेरी भलाई है। नहीं नहीं सरकार, ये वो लड़का नहीं जो केशव को मेरे पास लेकर आया था। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं चाहकर भी झूठ क्यों नहीं बोल पाया? सोच समझ के जवाब देना, झूठ का ऐसा दंड मिलेगा आजीवन भूल नहीं पाएगा। तो तात्याई था ना जो केशव को तुम्हारे पास पहली बार लेके आया था? सच बताओ। नहीं सरकार, इसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपका लड़का अकेला ही आया था मेरे पास। सुन लिया ना सरकार, मैंने कहा था ना, अब विश्वास हुआ? फित्ता जी ये झूठ बोल रहा है, इसमें जरूर तात्या की कोई चाल है, क्योंकि तात्या को तो कल शाम ही पता चल गया था कि आपको मेरी शराब की आदत के बारे में खबर मिल गई है। तात्या ने इसको रिश्वत खिलाई होगी ताकि ये यहां आकर झूठ बोले। केशव की बात सही है, तात्या के पास पर्याप्त समय था योजना बनाने के लिए। अब सत्य ज्ञात करने का एक ही विकल्प है। अंता कुलकर्णी सरकार के सामने झूठ बोलता है? नहीं, मैं कुलकर्णी सरकार के सामने झूठ बोलता है? कुलकर्णी सरकार के सामने? हाँ मैं झूठ बोला। इसकी सजा मिलेगी। मैं झूठ बोला, मैं कुछ झूठ बोला। और सरकार ये तो सच बोल रहा है। हाँ हाँ ये सच्चा है ना, तो मार खाने से डरेगा नहीं। मार अंता। कुलकर्णी सरकार से झूठ बोलता है? सरकार यह अंगूठी तो वैसी ही है जैसे आपने छोटे सरकार को जन्मदिन पे दी थी। आदिका
निस्संदेह ये केशव की अंगूठी है। सरकार, ये चोर है, इसकी गवाही झूठी मानी जाएगी। चोरी, झूठ बोलता है। चोर नहीं हूं मैं, कोई चोरी नहीं की मैंने। ये केशव पानी की तरह शराब पीता है, शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। उस दिन इसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसने अपनी अंगूठी मेरे पास गिरवी रख दी। ये लो, सोने की है, लेकिन याद रहे कि इसे बेच नहीं रहा हूं, गिरवी रखवा रहा हूं। पैसे देने के बाद इसे वापस ले जाऊंगा। और अगर अब भी आप लोगों को मेरी बात तो विश्वास नहीं हो, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे मार मार कर मेरी जान ले लीजिए, लेकिन सच यही है। लड्डू बहुत स्वादिष्ट है माई, एक और मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो साई। देखा आपने, साई को लड्डू बहुत अच्छा लगा। मुझे दिख रहा है, मैं देख पा रही हूँ तुमको साफ साफ। सुना आपने? मैं आपको भी देख सकती हूँ, मैं इसको भी देख सकती हूँ, और इसको भी देख सकती हूँ, और मैं साई को भी देख सकती हूँ। साई इतने दिनों बाद सब कुछ देख सकती हूँ साई। ये तुमने इतना कुछ किया साई, और इन दोनों ने भी। माई माई, मैं कौन होता हूं मदद करने वाला? करने वाला तो वो मालिक है। आज तक आप अपने बेटे का इंतजार करती रहीं, पर आज आपने देखा कि किसी की मदद करने के लिए, बेटा होने की, खून का रिश्ता होने की कोई जरूरत नहीं है। जो सही वक्त पर आपकी मदद कर दे एक बेटे की तरह, वो उस वक्त के लिए आपकी संतान ही तो होता है। और अगर आप मदद लेना चाहते हैं, तो इस शिरडी में बहुत से बेटे बेटी ऐसे हैं जिन्हें आपकी मदद करके बहुत खुशी मिलेगी, बहुत संतोष मिलेगा। बदरा बुराई के ये
जितने भी छाएं साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाएं, कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाएं, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। ओम साईं ओम साईं ओम साईं साईं ओम साईं ओम। सरकार, आपने ही कहा था ना कि अगर वो सच बोल रहा है तो वो मार खाने से नहीं डरेगा, और कितने सबूत चाहिए आपको? मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है सिवाय आपके बेटे की मदद करने के, और इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है क्योंकि वो है ही ऐसा। उसकी आई और मैंने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, चाहे कितनी भी कठिनाई आए अपने संस्कार नहीं भूलता, चाहे कोई भी परिस्थिति हो अपने उसूलों पर चलता है। सरकार, हर पिता चाहता है कि उसकी संतान उसी की तरह हो, और तात्या है भी मेरी तरह, बस उसमें आई की अच्छाइयां कुछ ज्यादा है। जब जब मैं इसे देखता हूं ना, तब मुझे गर्व और अभिमान नहीं होता। भगवान के सामने मेरा शीश विनम्रता से झुक जाता है, मैं कृतज्ञता पूर्ण हो जाता हूं। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन से जन्म में मैंने इतने पुण्य किए हैं। जो ऐसे पुत्र का पिता बनने का सौभाग्य मुझे मिला है। सरकार, आपके सामने मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इज्जत है। आइंदा से हम पर दोष लगाने से पहले, हम पर लांछन लगाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांक कर देखिएगा। चलो तात्या। तू यहां क्यों खड़ा है? चल भाग यहां से। कितना कुछ बोल के गया मुझे, मैं केवल सुनता रहा, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। केशव, तेरे कारण मुझे अपमानित होना पड़ा। नहीं चाहिए तुझ जैसा कुपोत मुझे। जाम मेरे वाड़े से अभी इस क्षण। आज से तेरा इस वाड़े से और यहां के लोगों से कोई संबंध नहीं। निकल जा। बड़े
अगर तू उसके पीछे गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। मुझे कुछ काम आ गया है याद, मैं आता हूं अभी। अब बाजार के लिए बहुत देर हो चुकी है, इस समय घर गया तो कावेरी घर सर पे उठा लेगी। आसपास घूम के शाम को जाऊंगा घर, ताकि कावेरी को लगे कि मैं बाजार गया था। आप यहां क्यों आए हैं साहब? आपके कारण मेरी ये दुर्गति हुई है। अब क्या आप मेरी जान लेकर मानेंगे? चले जाइए आप यहां से, मैं आपको कोई शराब नहीं देने वाला। तुम्हारी वजह से मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया गया। इशारा किया था ना तुम्हें, झूठ क्यों नहीं कहा तुमने? सब तुम्हारी गलती है, इसलिए मैं अब रहूंगा अभी यहीं और पीऊंगा अभी। मुझे माफ कर दो साहब, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? यहां से कहीं नहीं जाने वाला हूं मैं। मुझे घर से निकाल दिया गया है तो यह मत समझ लेना कि यहां पर मुफ्त में खाना खाने और शराब पीने आया हूं मैं। तुम्हारे खाने और शराब के बदले में काम करूंगा मैं। वाह जी वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, मुझे नहीं रखना आपको काम पे। चले जाइए आप यहां से। नहीं गया तो क्या कर लोगे? हाँ, जबरदस्ती निकालोगे, मारोगे मुझे? याद रखना, मैं कुलकर्णी सरकार का बेटा हूं और उन्होंने मुझे सिर्फ घर से बाहर निकाला है, रिश्ता नहीं तोड़ा है। अगर उन्हें पता चला कि उनके बेटे को तुमने हाथ भी लगाया है तो सोच लो क्या हाल होगा तुम्हारा। जो कह रहा है सुन ले, करने दे मनमानी। लाड प्यार से पला हुआ छोकरा है, एक दो दिन से ज्यादा यहाँ नहीं रह पाएगा। अब बताओगे भी क्या करना है मुझे? हाँ चलिए चलिए बताता हूँ। ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना, वही हुआ ना। चाहे कुछ भी कर लो, कुलकर्णी सरकार दोष तुम्हें ही देंगे। अरे उनके बेटे की मदद ही नहीं करनी चाहिए थी। और तात्या तू आज के बाद उस लड़के से मिलने की कोशिश भी नहीं करेगा, समझा? अज्जी, किसी के डर के कारण हम लोगों की मदद करना तो नहीं छोड़ सकते ना। आई तात्या सही तो कह रहा है, और फिर हम अपना स्वभाव क्यों बदले? साई सही कहते हैं, सच्चाई की हमेशा जीत होती है, और हुई भी। और अंत में उन्हें भी तो पता चल गया कि सच क्या है।
हर बार किस्मत साथ नहीं देती है बेटा। अगर हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा, तो हमें उससे दूर रहने भी भलाई है। आज तो बच गए, फिर क्या भरोसा है कि आने वाले कल में वो लोग तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश ही ना करें? साई, प्रणाम। साई राम जी भला करें। आपकी दी हुई सीख के कारण आज मैं निर्दोष साबित हो गया। आपने जो कहा था वो सब मुझे याद था। जानते हैं, जब मुझ पर आरोप लगाया गया तो मैंने भट्टी के मालिक की आंखों में आंखें डालकर बोला और उसे सच बोलना पड़ा। चमत्कार था ना साई? अब मैं समझ गया, मुझे अपने अंदर आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी महसूस हुई थी। अच्छी, आप कह रही थी ना कि हर बार किस्मत साथ नहीं देती। सच कहूं, मुझे किस्मत के साथ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ मेरा सच है और मेरे साईं। और जिसके साथ साईं है उसे किस बात की फिक्र? साईं, मुझे केशव की फिक्र है। केशव के लिए तुम्हें अधिक फिक्र करने की जरूरत नहीं है तात्या, क्योंकि वो अपने आत्मबोध के बहुत करीब पहुंच चुका है। आप साईं की मदद क्यों नहीं लेती? अगर उन्हें पता चला कि राणूजी भाई साहब के चलते आपकी गृहस्थी प्रभावित हो रही है तो निश्चित रूप से साईं उन्हें समझाएंगे। बिल्कुल सही सलाह दी आपने, अब तो मुझे साई से बात करनी पड़ेगी। तो देर किस बात की भाभी, साई कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। साई, मैं आ गया। कावेरी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैं तुम्हें घर में ढूंढता रह गया। क्या हुआ राणो जी? क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? ये भी कोई पूछने की बात है साईं? तुम मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की थी ताकि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, अपना कारोबार दोबारा शुरू कर सको तुम। लेकिन अपने काम की उपेक्षा करके, उसे अनदेखा करके, न केवल तुम अपना नुकसान कर रहे हो बल्कि मेरी मदद को भी सार्थक नहीं होने दे रहे हो तुम। क्या कावेरी ने आपसे कुछ कहा है साईं? इसे तो समझ ही नहीं है साईं, मेरा मेरे काम पर पूरा ध्यान है। जितना मैं आपकी सेवा के प्रति समर्पित हूं उतना ही मैं अपने काम के प्रति भी हूं। साईं, अगर ऐसा नहीं होता तो बाजार में मुझे जो 5 नए कंबल बनाने का काम मिला है वो नहीं मिला होता। लेकिन आपने मुझे सच नहीं बताया। मेरी सेठ जी से मुलाकात हुई थी, वो गांव आए थे और उन्होंने मुझे सब कुछ सच सच बताया। आपसे पूछा था मैंने और आपने मुझसे झूठ कहा। मैंने सोचा राणो जी, जब तुम मेरे पास आए थे और तुमने कहा था कि तुम मेरी सेवा करना चाहते हो,
तो मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम सेवा करना चाहते हो तो ठीक है, कर सकते हो सेवा, लेकिन लेकिन अपने परिवार की उपेक्षा करके नहीं, अपने काम की उपेक्षा करके नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद। साईं, वो साईं, वो उत्तर दो रानू जी, उत्तर दो, कहा था या नहीं? जी कहा था रानू जी। मुझे खुशी है इस बात की कि जिन लोगों ने तुम्हारी मदद की, तुम उनकी मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो, उनकी सेवा करने के लिए हमेशा हाजिर रहते हो तुम। लेकिन तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए ना कि दूसरों से कहीं अधिक प्राथमिकता तुम्हें अपने परिवार को, अपने काम को देनी चाहिए। जी साईं। अब घर जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। चलता हूं साईं। मेरे जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं अब्दुल जैसे लड़के से हार मान लूंगा। निकल जा मेरे वाड़े से, आज से तेरा इस वाड़े से और यहां के लोगों से कोई संबंध नहीं। नहीं रुकमणि, अगर तू उसके पीछे गई तो वापस आने के बारे में सोचना भी मत। कितनी बेबस माँ हूं मैं, अपने बेटे के लिए निर्णय लू इतना भी अधिकार नहीं दिया आपने मुझे, और अब जब मैं उसकी मदद करना चाहती हूं, उसे सही रास्ते पर लाना चाहती हूं, तो मैं फिर से असहाय हूं। इसीलिए अब मैंने सब कुछ आप पर छोड़ दिया है, आप ही उसकी मदद कीजिए, उसे सही रास्ते पर ले आइए। और आपको ये करना ही पड़ेगा मेरे लिए, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, ना ही मैं कुछ खाऊंगी और ना ही मैं कुछ पीऊंगी। मामी जी, अब रोइए मत, चुप हो जाइए, मैं अपने दादा को वापस लाऊंगा। लीजिए सरकार, मुंह मीठा कीजिए। अमन का दाखिला मैंने बंबई के एक नामचीन विद्यालय में करवा दिया है। लीजिए, अच्छा किया आपने, अच्छा निर्णय लिया रतनलाल जी। और वैसे भी मैंने आपसे कहा था कि लंदन में पढ़ना सबके बस की बात नहीं होती है, धन की प्रचुरता अनिवार्य है। नहीं नहीं सरकार, धन का कोई अभाव नहीं था। सच तो यह है कि आपके बेटे केशव की हालत देखकर भला कौन बाप अपने बेटे को लंदन भेजना चाहेगा। आपके कहने का आशय क्या है रतनलाल जी? सुना है कि आपका केशव लंदन से शराबी बनकर लौटा है। क्षमा कीजिएगा सरकार, बहुत दुख हुआ सुनके, इतने ऊंचे खानदान का लड़का
जिसके पिता ने उसे बैरिस्टर बनाने के लिए न जाने क्या क्या किया, और वही लड़का ना सिर्फ शराबी बन गया बल्कि शराब पीने के लिए शराब की भट्टी पर मजदूरी तक कर रहा है। मेरा केशव भट्टी पर मजदूरी कर रहा है? इससे पहले कि मैं आपको अपमानित करूं, निकल जाइए यहां से। मुझे तो आप चुप करा देंगे सरकार, लेकिन दुनिया वालों का मुंह कैसे बंद करेंगे? आओ। मैं कुछ नहीं सुनना है मुझे रुक्मिणी, मैं अपने कक्ष में जा रहा हूं, कोई विघ्न नहीं चाहिए मुझे। शिव की मदद अगर कोई कर सकता है तो वो है साई, लेकिन मैं कैसे जाऊं उनके पास? मामा की चिंता छोड़िए मामी जी, वो कुंभ भवन में गए हैं और उनको बाहर आने में बहुत समय लग जाएगा। आप जानती है ना, उनका गुस्सा कभी ठंडा नहीं होता, इसलिए जल्दी चलिए मेरे साथ। लेकिन कहाँ गोविंदा? अब पता चल जाएगा आपको, आप चलिए मेरे साथ, चलिए। गोविंदा कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? साई, मुझे पता चला है कि केशव शराब की भट्टी पर रह रहा है। साई, अब आप घर जाइए, पर इस मदद के बदले मुझे भी कुछ चाहिए। शव को सही रास्ते पर लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। तो ठीक है, गोविंदा को मेरे पास छोड़ जाइए। सरकार को पता चला
कि गोविंदा साईं के पास है तो। मामी जी, आप मामा के बारे में सोच रही है ना? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं ये खबर मामा तक पहुंचने ही नहीं दूंगा और मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं भी यही चाहता हूँ कि केशव दादा वापस आ जाए, और अपनी तरफ से साई भी पूरी कोशिश कर रहे। अगर मामा सरकार है तो मैं भी गोविंदा हूँ। अब्दुल, द्वारका माई का ध्यान रखना। जी साईं। तात्या। जी साईं। मुझे शराब की उस भट्टी पर जाना है, ले चलो मुझे वहां। आप वहां जाएंगे? हाँ। अगर हमें केशव को वहां से वापस लाना है तो हमें वहां जाना ही होगा। उठिए साहब, कल से पड़े हुए हैं। उस समय तो बड़ी शान से कहा था कि काम करूंगा, तो जाइए जाकर कुछ काम कीजिए। ग्राहक आकर बैठे हुए हैं, उनसे जाकर पूछिए कि उन्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए? यहीं पियोगे या घर? कैसे हो केशव? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको पता भी है कि ये कौन सी जगह है? ये कौन सी जगह है दादा? और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये जो मटके लटकी है उसके अंदर शरबत है क्या? मुझे भी पीना है दादा। तात्या, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए इंसान निकले। मुझसे बदला लेने के लिए तुम गोविंदा को यहाँ ले आए? मैं यहाँ किसी को नहीं लाया हूं। मैं लाया हूं। आप क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया है कि आज तुम अपने घर वापस जाओगे। सच में आप लोगों को प्रभावित करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते हैं, लेकिन आज आप सफल नहीं हो पाएंगे। आज मां को भी पता चल जाएगा कि आप एक बहुत बड़े ढोंगी हैं, और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला, खास करके उस दुनिया में तो कभी भी नहीं जहां मुझे कठपुतली समझा जाए, जहां मेरी कोई परवाह ना करे। उस दुनिया से तो यह दुनिया बेहतर है। और यहाँ ये लोग तुम्हारी परवाह करते नहीं, और मैं इनसे उम्मीद भी नहीं करता, इसलिए मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है। और रही बात यहाँ से जाने की, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। गोविंदा, तुम यहाँ से सीधे अपने वाड़े में जाओगे, और दोबारा यहाँ आने की हिम्मत भी मत करना, समझे?
जाऊंगा, लेकिन आपको साथ लेकर। लगता है अब यहां काफी देर बैठना पड़ेगा, तो बेहतर यही है कि हम लोग भी कुछ पिए, हर जगह का आनंद लें। सुनिए, आपके पास पीने की जो सबसे बेहतरीन चीज हो उसके दो कुल्हड़ दीजिए। रुकिए, तीन दीजिए, तुम भी तो पियोगे ना गोविंदा। गोविंदा पिएगा? आप भी पिएंगे? ये आप क्या कह रहे हैं साईं? अच्छा, तो ये है शिरडी के साईं। मैंने तो इनके बारे में बहुत सुना है, ये तो संत है, धार्मिक व्यक्ति है, फिर ये खुद भी पीने की बात कर रहे हैं और बच्चे को भी पिलाने की बात कह रहे हैं। जल्दी लाओ। ये नहीं कर सकते साईं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। मेरे ग्राहकों को तुम रोक नहीं सकते, समझे? छोड़ो मुझे। शराब तो मसाला दूध बन गए, ये तो चमत्कार है साईं का। साईं रुकिए। तात्या, गोविंदा को मत पीने दीजिए साईं। रुक जाओ, मत पियो गोविंदा। नहीं गोविंदा, और दीजिए। चाहिए और ले आओ। साईं, आप तो बस कीजिए, आपने मुझे इतनी चोटें पहुंचाई हैं, क्या वो काफी नहीं था आपके लिए? जो अब आप गोविंदा की जिंदगी को बर्बाद करने पे तुले। अरे इसके लिए नहीं तो अपने लिए तो सोचिए, इस उम्र में आप इतनी पिएंगे, वो भी पहली बार, तो ना तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा और ना ही आपकी प्रतिष्ठा के लिए। और अगर आपके अंधे अनुयायियों ने आपको नशे की हालत में देख लिया तो क्या सोचेंगे वो आपके बारे में? नहीं साईं, ऐसा मत कीजिए। मैं तो बैरागी हूं केशव,
मुझे अपने मान सम्मान अपनी प्रतिष्ठा की कोई चिंता नहीं। और वैसे भी इस उम्र में कोई मुझे क्या कहेगा भला, तात्या भी अब बड़ा हो गया है, अपने लिए सही गलत का फैसला कर सकता है वो। और रही बात गोविंदा की, तो अक्सर जैसे छोटे भाई अपने बड़े भाइयों के नक्शे कदम पर चलते हैं, वैसे ही गोविंदा भी तुम्हारे पदचिन्हों पर चलेगा। अगर बड़े होकर इसे यही करना है तो इंतजार क्यों, आज से ही शुरुआत हो गई, है ना गोविंदा? हाँ साई, ये तो बहुत अच्छा है। और मुझे तो पता ही नहीं था कि किशोर दादा भी ये पीते। अब से मैं तो रोज पीऊंगा इसे। मुझे क्यों रोक दिया दादा? आप भी तो पीते हैं ना, मुझे भी पीने दीजिए। इतना तो अच्छा था, क्यों फेंका उसको? मुझे और चाहिए, और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे। गोविंदा, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? मेरी जिंदगी तो पहले से ही बर्बाद हो गई है, और अगर तू भी पिएगा तो तेरी भी हो जाएगी। और मैं ये नहीं देख सकता, तू मत पी मेरे भाई, तू मत पी गोविंदा, मेरी बात मान ले मेरे भाई। शांत हो जाओ मैं साईं, मुझ जैसे नादान को मालूम है कि क्या सही है और क्या गलत। और वो कुलकर्णी सरकार जो शिरडी के मुखिया है, जो ये तय करते हैं कि शिरडी में क्या सही है और क्या गलत, उनको ये नहीं मालूम कि उनके बेटे के लिए क्या सही है और क्या गलत। बस दूसरों को अपनी शान दिखाने के लिए भेज दिया मुझे लंदन। साईं, मुझे तो बचपन से ये पता था कि पिताजी मुझे लंदन भेजने के लिए एक मौके की तलाश में है, लेकिन जब मैंने उनसे अपने मुंह से ये कहा कि मैं लंदन जाने के लिए तैयार हूं, तो उन्होंने मुझे तुरंत ही लंदन भेज दिया, मुझे मेरी मां तक से नहीं मिलने दिया। हर पिता चाहता है कि उसका बच्चा सफल बने, ताकि वो एक खुशहाल जीवन जी सके, लेकिन मेरे पिताजी मुझे सफल होता सिर्फ इसलिए देखना चाहते हैं ताकि वो अपने दोस्तों के सामने घमंड कर सके, मुझ पर इतरा सके। बचपन में ही मुझे ये समझ में आ गया था कि पिताजी मेरी विफलता को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब से मेरे दिल में एक डर सा बैठ गया है। लेकिन तुम्हारी माँ, वो तो तुमसे बहुत प्यार करती है। माँ, मेरी माँ, अरे वो तो दुनिया की सबसे महान माँ है, इतनी महान कि उनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी वो कभी कुछ नहीं बोलती। उनका पति उनके बच्चे पर जुल्म ढाता है, उसे यातनाएं देता है, लेकिन वो तब भी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। यातनाएं पाने के बाद मैं जब रोता था तो वो मुझे लाकर पूरन पोली खिला दिया करती थी मेरा मन बहलाने के लिए, लेकिन कभी उन्होंने ना पिताजी को रोका ना टोका, ना कभी मेरा पक्ष लिया और ना ही कभी उनके विरुद्ध खड़ी हुई। बस पूरन पोलियां बनाती गई
और मुझे खिलाती गई। मुझे पूरन बोली और मेरी माँ की चुप्पी से नफरत हो गई है। और मेरे पिताजी, उन्होंने तो एक 10 साल के बच्चे को तांगे में बिठालकर यह कह दिया कि सब अच्छा ही होगा। लेकिन मेरे साथ वहां क्या हुआ वो केवल मैं जानता हूं। लेकिन अब मैं खुश हूं कि कम से कम मुझे इस बात की तो तसल्ली है कि मेरी यह हालत देखकर मेरे छोटे भाई को मेरे घर वाले लंदन तो नहीं भेजेंगे। ये बेचारा तो बच जाएगा उस अकेलेपन से। अगर गोविंदा को बिगड़ना है तो वो यहां रहकर भी बिगड़ जाएगा, क्योंकि अक्सर बच्चे अपने बड़ों का, अपने परिवार, अपने मित्रों का ही अनुसरण करते हैं, उन्हीं से प्रभावित होते हैं वो। कल जब गोविंदा बड़ा होगा, उसमें अपनी सोच आएगी, दुनिया को अपनी नजर से देखेगा, अपनी सोच से समझेगा, तो लोगों से तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें सुनेगा, तो तुमसे यहां आकर मिलना स्वाभाविक है उसके लिए। और अगर तुमसे यहां मिलने आएगा तो वो शराब भी जरूर पिएगा। उसे लगेगा कि अगर बड़ों के शराब पीने में कोई बुराई नहीं है तो वो भी पी सकता है, और तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तो गोविंदा बिगड़ तो तब भी जाएगा ना, पर अगर तुम अपना जीवन सुधारते हो, एक अच्छा उदाहरण बनते हो गोविंदा के लिए, गोविंदा के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाते हो तुम, तो क्या यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा? तो क्या यह गोविंदा के लिए अच्छा नहीं होगा? तो क्या यह सबके लिए अच्छा नहीं होगा? बोलो केशव, आप होते कौन है मुझे उपदेश देने वाले? मुझे नफरत है आपसे, और आपकी जो ये झूठी फिक्र है ना, इसको आप अपने पास ही रखिए। केशव, ये कोई तरीका है साई से बात करने का? हाँ, ये इसी तरीके की भाषा बोलने लायक है। तुम लोगों ने सिर पर चढ़ा कर रखा है इनको, इनके ठोंग को, इनके पाखंड को सब समझता हूं मैं। आप ही वो हैं जिसकी वजह से मुझे शिरडी छोड़कर लंदन जाना पड़ा। आपने मुझे मेरे अपनों से दूर किया है साईं। क्या आपको याद भी है कि आपकी वजह से मुझे क्या क्या सहना पड़ा? आपने ही वो हालात पैदा किए थे जिनसे लाचार होकर मुझे पिताजी से यह कहना पड़ा कि मैं यहां नहीं रहूंगा, लंदन जाऊंगा। और अब भी जो मेरे हालात है वो सब आपकी मेहरबानी से है। चुप क्यों हो गए केशव? बोलो बोलो, मैंने ऐसे कौन कौन से हालात पैदा किए जिससे तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची है? तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो कुछ भी बात है, जो भी भाव है, वो कह डालो, मैं आज तुम्हारी हर बात सुनूंगा। बोलो केशव। बहुत अच्छे हैं आप, लेकिन तब कहां चली गई थी आपकी अच्छाई जब आपने मुझसे मेरे सारे दोस्तों को दूर किया था? बहुत देर से इंतजार कर रहा था तुम लोगों का, बताओ क्या सुनोगे? परीक्षा खत्म होने के बाद अगर हम संगीत सुने तो कैसा रहेगा? इसका मतलब मुझे शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। साई ने हमें कल कहा था कि पढ़ाई पहले है। मैं अभी साई को लेकर आती हूँ, और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम तो जानते हो कुछ भी कर सकता है मेरा साई, बिगड़े को भी बना सकता है मेरा साई। किसकी राह देख रहे हो केशव? मैंने तो पहले ही कहा था कोई आने वाला नहीं है, ना साई आने वाला है ना जिपरी, ये सब लोग ऐसे ही है।
आपका असली चेहरा तो मैंने उस दिन देख लिया था। मैं जान गया था कि आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। जो लोग आपसे आकर्षित होते हैं केवल उनकी फिक्र है आपको। मैं जब तक आपके आगे पीछे चला, आपको भगवान माना, तो आप अच्छे रहे मेरे साथ। और उस दिन से जब मैंने अपनी माँ को बचाने के लिए आपसे मिलना, आपका नाम लेना बंद कर दिया, तो आप मेरे विरुद्ध हो गए। आपने मेरे सारे दोस्तों को मेरे विरुद्ध कर दिया। उसी दिन से मैंने ये फैसला किया कि मैं अब यहाँ नहीं, लंदन में रहूंगा। बच्चा था मैं, भरोसा करता था आप पर। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने? क्यों? साई, केशव ये क्या कह रहा है? जब जीवन में दुख का नियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। इस तरीके से इस यंत्र को खंडित करते हैं। आपने गौर नहीं किया? जैसे ही वो पाखंडी सा यहां से गुजरा, वैसे ही यह गिर पड़ा। दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? ये संगीत वाला डब्बा लौटाने आए हैं और आप लोग साई पर जो आरोप लगा रहे थे उसे झूठा साबित करने आए हैं। पुछवान, दाहिने वाले रास्ते से लेके जाओ गाड़ी। हरिओम। ये नहीं कर सकते साईं। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। Oh,
मैंने कितना बुरा बर्ताव किया आपके साथ, बहुत बदतमीजी से पेश आया। कितना गलत सोचा था मैंने, यही सोचा था कि आपने और मेरे दोस्तों ने मेरे साथ धोखा किया है, और जैसे जैसे बड़ा होता गया सबके लिए मेरे दिल में नफरत और बढ़ती गई। मैं आपसे नजरें नहीं मिला सकता साईं, मैं आपके साथ रूखेपन से पेश आया, आपको इज्जत भी नहीं दी, उसके बाद भी आप मुझे घर ले जाने इस गंदी जगह पर आए। क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं, तुम खुद को भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला हूं। मैं आज के बाद शराब को हाथ तक नहीं लगाऊंगा साईं, मैं आपसे वादा करता हूं। तो हम भी चाहते हैं, इसलिए तो हम आए हैं यहां तुम्हें ले जाने। तुम मुझे सच में माफ कर सकते हो तात्या? हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और दोस्त का साथ तो दोस्त ही देता है ना। अभी तो एक लड़का है। हाँ साईं, लेकिन आपको कैसे मालूम? सोचो अगर तुम्हारे बेटे को कल शराब पीने की लत लग गई, शराबी हो गया वो, तो कैसा महसूस करोगे तुम? अगर कल तुम्हारा बेटा किसी शराब की भट्टी पर पड़ा रहेगा, शराब के नशे में धुत, तो क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पर? कभी सोचा है तुमने? साईं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। मैं इतना कठिन परिश्रम इसलिए करता हूं कि उसे एक अच्छा जीवन मिल सके, और ये एक ऐसा व्यवसाय है, एक ऐसा रोजगार है जिसमें लाभ ही लाभ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है साईं। वाह, मतलब तुम लोगों की जिंदगी को बर्बाद होते हुए, उनके घर परिवार को उजड़ते हुए देख सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन में कोई दुख नहीं चाहिए, अपने जीवन में सुखी सुख चाहते हो, अपने जीवन को दुखों से अछूता रखना चाहते हो तुम।
मैं इस दुकान को बंद कर दूंगा साईं, मैं इसे बंद कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसे कारोबार का पैसा। माफ कर दीजिए साईं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज से मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़े, उनके जीवन में अशांति आए। मेरे व्यवसाय की वजह से लोग मुझे बद्दुआ दे, मैं ये नहीं चाहता हूं साईं। मैं सुकून के साथ जीना चाहता हूं साईं, रात को शांति से सोना चाहता हूं। मेरे बेटे का जीवन शापित ना हो, मैं ये चाहता हूं। इसलिए मैंने सोच लिया साईं कि मैं आपसे दारू नहीं बेचूंगा। अब मैं नया व्यवसाय करूंगा, अब मैं यहां पर मसाला दूध बेचूंगा साईं। में कर्म योग का मार्ग ही अटल है, जो कुछ है हाथ में तेरे एक यही पल है। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ। राम जी भला करें। अब तुम्हें भी अपने वाड़े वापस जाना चाहिए। घर जाओ, तुम्हारी मां तुम्हारी राह देख रही है। मेरे वाड़े में आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? गए तो थे बड़े अकड़ के, दो दिन में अकड़ ढीली पड़ गई। अब पता चला तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारी औकात कुलकर्णी सरकार से है, कुलकर्णी सरकार से। और क्या सोच के आए हो? सराय है ये? जब जी चाह चले गए, जब जी चाह वापस आ गए, और कुलकर्णी सरकार तुम्हें आने देंगे? मां, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं आज से शराब, सारे बुरे काम सब छोड़ दूंगा।
मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मुझे बहुत याद आई आपकी। हाँ ठीक है ठीक है, और अब जब तुमने चूक सुधार ली है तो मेरे वाड़े में रह सकते हो तुम। माँ मुझे बहुत भूख लगी है। बताओ क्या खाओगे तुम? पूरन पोली। हाँ भी बना के लाती हूँ। और साई, केशव के साथ जो हुआ वो इसलिए क्योंकि वो लंदन गया था। क्या आपने बच्चे को खुद से दूर भेजना सच में गलत बात है? नहीं लक्ष्मी, ऐसा नहीं है। तूने कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में तो सुना ही होगा, ये सिर्फ भगवान कृष्ण के जन्म का दिन नहीं है बल्कि वसुदेव जैसे महान पिता के सम्मान का दिन भी है। ये जिन्होंने अपने बेटे की भलाई के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सुनहरे भविष्य के लिए उसे खुद से दूर कर दिया था। अक्सर माँ बाप अपने बच्चों से उम्मीदें करते हैं और इसके लिए वो उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश भी करते हैं, पर कई बार ये उम्मीदें ये अपेक्षाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि वो बच्चों को अपने अहंकार की पूर्ति का साधन समझने लगते हैं। और जब कभी भी ऐसा होता है तो माँ बाप ये सब बच्चे की भलाई के लिए नहीं बल्कि अपने सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, खुद को श्रेष्ठ करने के लिए कर रहे होते हैं। और बच्चा उनकी हसरतों में, उनकी ख्वाहिशों में कहीं गुम हो जाता है, भटक जाता है वो। वापस यहां कैसे आया? जानू का है यार ही।
पत्र मेरी माँ को दे दीजिएगा। अज्ञान तिमिर से ज्योतिष बनकर साई राम। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम मेरे साई। तुम ग्रामोफोन के साथ क्या कर रहे हो? ये वही ग्रामोफोन है ना पिताजी, जिसे साई ने तोड़ दिया था। तो फिर ये बन कैसे गया? वो तुम्हारे जाने के बाद मैंने मरम्मत कराई थी इसकी। झूठ! तब भी आप झूठ बोल रहे थे और अब भी आप झूठ बोल रहे हैं पिताजी। हरि ओम। मेरे ही घर में मुझे झूठा कहने का साहस कहां से आ गया तुम्हें केशव? सच बोलने के लिए साहस की जरूरत नहीं होती है पिताजी, वो तो खुद ब खुद ही बाहर आ जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुझे सारा सच पता चल गया है। साई ने मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। साई? तो तुम्हें सब साई ने बताया? वो फिर से तुम्हें भ्रमित कर रहा है जैसे बचपन में किया करता था। मुझे अंदेशा था कि वो ऐसा ही करेगा। अब मैं बच्चा नहीं रहा हूं पिताजी, सही और गलत के बीच में क्या फर्क होता है पता है मुझे। और साई ने क्या किया ये याद है आपको, लेकिन क्या आपको ये भी याद है कि आपने क्या किया है मेरे साथ? जो तुम्हारे लिए अच्छा था वही किया मैंने। और सुनो केशव, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम उस बैरागी से कभी मिलने नहीं जाओगे। अगर गए तो जाऊंगा। जरूर जाऊंगा, मैं रोज द्वार कमाई जाऊंगा साई से मिलने। जैसा मैंने आपसे कहा पिताजी कि मैं अब बच्चा नहीं रहा हूं, अपनी भलाई मैं खुद देख सकता हूं और मुझे साई से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने अनुमति नहीं दी तो मैं खुद चला जाऊंगा और द्वारका माई में साई के साथ ही रहूंगा। फैसला कर लीजिए। अंता, ये सुनिश्चित करो कि खेतों में सिंचाई हो रही है कि नहीं। हरिओम। जी सरकार। चलो। हरिओम हरिओम। अभी छींकना था तुम्हें? बहुत ही महत्वपूर्ण काम से जाना था मुझे, अपशकुन कर दिया तुमने। चलो। सत्यानाश होते रहा, तेरे कारण मुझे विलंब हो रहा है।
माफ करना सरकार, अभी मुंह धो के आया। आपने अनुमति नहीं दी तो मैं खुद चला जाऊंगा और द्वारका माई में साईं के साथ ही रहूंगा। ए पाखंडी, मेरे वाड़े के सामने आने का दुस्साहस कैसे किया तुमने और मेरे आदमी को पानी पिला रहा है? तो कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम्हें कि मेरे परिवार से और मेरे सेवकों से दूर रहा कर। तो मैं तुझ पर दया दिखा रहा हूं और तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूं तो तेरे से पर निकल आए। इन मूर्ख गांव वालों को तूने मेरे विरुद्ध किया, वैसे ही मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रहा है तू। मुझसे दूर करने में सफल हो गया तू, यही सोच रहा है ना तू? लेकिन स्मरण रहे, वो मेरा बेटा है, कुलकर्णी सरकार का बेटा। आज नहीं तो कल उसे सत्य का पता चल जाएगा। सत्य कभी छुपता नहीं है बैरागे। बिल्कुल सही कहा आपने, सत्य कभी नहीं छुपता। और ये जानने के बाद भी हम अपने अहंकार के कारण उसे देख नहीं पाते हैं, झूठ का आवरण खींचते रहते हैं उस पर। और कई बार हम अपने असत्य को इतना ज्यादा जी लेते हैं कि वही हमारा सच यथार्थ बन जाता है हमारा। और जब ये भ्रम टूटता है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, बुनियाद हिल जाती है हमारी, हमारे अस्तित्व का प्रश्न उठ जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। तू तो बड़ी सहजता से इसे समझ लेता होगा बैरागी, क्योंकि तुम्हारे साथ तो ये सब बहुत बार हो चुका है। हरिओम। हाँ, ये सब कुछ हो चुका है मेरे साथ, बहुत बार हो चुका है। किसी भी अनुभव से अछूता नहीं हूं मैं, क्योंकि ये संसार मेरा ही अंश है और मैं इस संसार का। लोगों के कष्ट स्पंदित होते हैं मेरे अंदर, ठीक वैसे ही जैसे उनके सुख स्पंदित होते हैं। हो रहा है तो बैरागी नहीं, साक्षात ईश्वर है ईश्वर। और मैं पार्थ अर्जुन और आप विश्वरूप दर्शन देते भगवान कृष्ण मुझे समझा रहे हैं। हरिओम हरिओम। आपको भी सबके अंदर ईश्वर के दर्शन होने लगेंगे अगर आप अपना हृदय सबके लिए खोल दें तो। इन सब में आपको ईश्वर दिखेगा, समदर्शी हो जाएंगे आप, और समदर्शी होना दिव्यता का प्रतीक है, अहम शून्यता का प्रमाण है। यात्रा लंबी है, अभी शेष भी है, पर गंतव्य तक पहुंचना है तो चलना तो पड़ेगा ना, आरंभ कहीं से तो करना ही पड़ेगा।
चलो